राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2024 के अंतर्गत क्राउन फॉर किड्स मुहिम के तहत परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा मलार रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में छोटे बच्चों को 50 से अधिक हेलमेट वितरित कर ननिहालों के लिए भी हेलमेट के लिए प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावकों को भी सड़क सुरक्षा के बारे में उनको समझाया गया। वाहन चालक के साथ साथ छोटे बच्चों को भी हेलमेट लगाना जरूरी होता है। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी डॉक्टर रचना व्यास ने अभिभावकों को सड़क सुरक्षा के नियम एवं कानून की पालना करने के लिए प्रेरित किया। कहा कि आमजन के सहयोग से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है। परिवहन निरीक्षक भारत जागीर ने बताया कि सड़क सुरक्षा की आदत बच्चों को बचपन से ही डाले, यह अभिभावकों का कर्तव्य है कि स्वयं भी सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना करने के साथ साथ बच्चों को भी प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी बच्चों को क्राउन फॉर किड्स अभियान के तहत फलोदी में हेलमेट वितरण किया गया। ऐसा ही लग रहा है, आप सभी पेरेंट्स भी यहाँ उपस्थित हैं और भरत जी ने आपको इन डेप्थ डिटेल में बताया है कि अपने को हेलमेट क्यों लगाना चाहिए। हेलमेट नहीं लगाने के कारण तो एक तो ये है कि भाई यहाँ पे अभी तक 27 से चालू नहीं हुआ है, या फिर कई लोग चला के लगाते हैं, कई लोगों की दिक्कत रहती है कि हमारे बाल खराब हो जाएंगे, हेयर स्टाइल खराब हो जाएगी। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि सिर्फ 10 मिनट का ही तो काम है, क्या हेलमेट लगाएं और फिर जाएं। वैसे बहुत सारे कारण है जिसमें अपन हेलमेट नहीं लगाते हैं, पर हेलमेट लगाने से क्या हो सकता है, नहीं लगाने से क्या हो सकता है, उन दोनों के फायदे और नुकसान अपन मन में सब जगह जानते हैं कि हम लगाए